नमस्कार दोस्तों, मदरसा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 26 जून 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी दिन से हमारा ये क्लास चल रहा है और सबको ये थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है कि हमारा जो क्लास का शुरुआत होता है एक थॉट से होता है। तो देखिए, आज का जो थॉट है वो हम उसके पढ़ के हम क्या करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, थॉट ये है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ सीखना नहीं चाहते तो कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। लेकिन अगर आप सीखने के लिए एकदम आगे हैं, सीखने के लिए एकदम अपने आप को तैयार कर लिए हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए, आज का जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री 26 जून को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान चालू करेंगे। ठीक है, अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू हुआ था, तो अभी कौन सा चालू होगा? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान चालू होगा। ये राज्य सरकार, ठीक है, ये प्रोग्राम राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिला के करेंगे। अभी तक ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख प्रवासी श्रमिक क्या है, अपने घर लौट चुके हैं, यानी बाहर काम करते थे, तो 30 लाख से ज़्यादा यूपी के लोग हैं वो अपने घर आए हैं। दो नंबर देखिए, आत्मनिर्भर भारत में मोदी सरकार के प्रयासों को मजबूती देते हुए कैबिनेट ने अभी काफ़ी सारा आजकल में कैबिनेट ने काफ़ी सारा प्रोग्राम या फिर बोल लिए तो योजना लाए हैं। उनमें से कुछ योजनाएं हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक योजना है, इसके तहत क्या है, पशुपालन में बढ़ोतरी करने के लिए कितना कर फंड जारी किया गया सरकार के द्वारा, 15,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। ये मेनली किसके लिए होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स को, खेती बाड़ी कृषि और डेयरी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 15,000। अब इसमें देखिए, यहाँ फिगर है आपको, तो ये फिगर देखिए क्या क्या बोला जा रहा है इसमें। इसमें टोटल कितना है, 15,000 का दिया जा रहा है। इसमें क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि डेयरी और एनिमल को बढ़ावा देना है, उसके जो मिनिस्ट्री है या उसका जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना है। इसके तहत क्या है, जो अनुदान की राशि दी जाएगी उसमें से 90% क्या है, लोन के माध्यम से दिया जाएगा। 90% जो रुपया है वो लोन दिया जाएगा, और 10% क्या है, उसमें मार्जिन दिया जाएगा। 10% जो व्यक्ति है उसको लगाना पड़ेगा, बाकी 90% लोन के माध्यम से मिलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है ना, सरकार अपने तरफ से दे रही है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो एस्पिरेशनल जिलों से आते हैं उनको 4% का छूट दिया जा रहा है, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनको 3% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एस्पिरेशनल जिले वो ज़िले हैं जो पिछड़े हैं लेकिन उनमें संभावनाएं काफ़ी हैं, तो वो जब वापस से आएंगे तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ रियायतें दी जा रही है। तो इसी के लिए उनको 4% दिया जा रहा है, बाकी को 3% दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके लिए क्या बोला जा रहा है, इसके लिए ये जो 15,000 करोड़ का फंड दिया जा रहा है, इसके लिए और क्या बनाया जाएगा, इसके लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया जाएगा। वो कितने करोड़ का होगा, 750 करोड़ का, और वो कौन मैनेज करेगा, नाबार्ड मैनेज करेगा। नाबार्ड क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है। इसी के तहत और देखिए क्या है कि इसके माध्यम से कितना होगा, तकरीबन 35 लाख लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए ये है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि वही चीज़ लिखा हुआ है कि 35 लाख लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा, और 750 रुपये की क्रेडिट गारंटी फंड बनाई जाएगी जिसका प्रबंधन नाबार्ड करेगा। और क्या किया सरकार ने देखिए फैसला किया है अंतरिक्ष को लेके। भाई अंतरिक्ष को लेके सरकार ने क्या फैसला किया है, तो अंतरिक्ष को लेके सरकार का फैसला ये है कि सरकार ने क्या बनाया है, इन स्पेस बनाया है। अब इन स्पेस क्या है, इन स्पेस का देखिए फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। इसका मतलब ये है कि अभी तक सिर्फ इसरो कार्य करता था ना, अब इसरो के साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्री है अगर वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए और है, मोदी सरकार ने 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के अध्यादेश जारी किए। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी एक बैंक था जिसका नाम था PMC, ठीक है, PMC। इस बैंक ने क्या किया, लोगों का पैसा खा गया। तो जब लोग इतने मेहनत से पैसा जमा करते हैं, उनका पैसा कोई खा जाएगा, सिक्योरिटी नहीं है, तो लोग
बैंकों में पैसा रखने से डरेंगे। जब लोग ही बैंकों में पैसा रखने से डरेगा तो बैंक काम नहीं करेगा, जब बैंक काम नहीं करेगा तो RBI काम नहीं करेगा, और RBI काम नहीं करेगा तो देश काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ट्रस्ट का भावना बढ़ाना था कि आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है, तो इसी के लिए मोदी सरकार ने ये घोषणा किया। इसके तहत क्या है, इसके तहत RBI की निगरानी में आ गया, तो भाई RBI पे तो पूरा इंडिया को भरोसा है कि RBI कभी भी लोगों के हित के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेगा। इसमें ये बोला गया है कि देखिए इसमें कितना लोगों का फ़ायदा होगा, तकरीबन 8.6 करोड़ जो डिपोर्टर्स है, यानी कि जो इस बैंक में पैसा रखे हैं 8.6 करोड़ लोग, उनका पैसा क्या है, सेफ है, तो ये फैसला किया है। इसी के तहत और क्या फैसला, देखिए मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण लेने वाले लोगों को वित्तीय दबाव को कम करने के लिए मोदी कैबिनेट ने पात्र कर्जदारों को 12 महीने के लिए ब्याज में 2% सब्सिडी की मंजूरी दी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, छूट। तो देखिए यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उसका फैसला देखिए, 24 जून को ये फैसला आया था, जितने भी फैसले आए हैं सब 24 जून को आए हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के तहत क्या, छोटे छोटे लोन, अगर आपको मुर्गी पालन करना है, खेती बाड़ी करना है, तो छोटा मोटा लोन दिया जाता है। ये छोटा मोटा लोन से क्या है, जो आदमी गाँव के परिवेश में है, वो गाँव में ही रहता है, उसको वहीं पर रोज़गार मिल जाता है, उसको बाहर नहीं आना पड़ता है, वो अपने घर में ही रहता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो यही चीज़ है, ठीक है। इसके तहत क्या है, अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो लोन लेने के लिए ये बोला गया है, अगर शिशु ऋण लिए हैं आप लोग तो 1 वर्ष के लिए अवधि पर आपको कितना, 2% सब्सिडी मिलेगा। जैसे 12% का लोन अगर आप लिए हैं पैसा, तो 12% का आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है, तो उसमें 2% का क्या है, लोन 2% का सब्सिडी मिलेगा, यानी 10% ही आपको चुकाना पड़ेगा अगर आप शिशु ऋण लिए हैं तो। इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा इसमें, 1542 करोड़ रुपये सरकार को लगेंगे। कितने करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, तो देखिए 9.37 करोड़ रुपये, 37 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ये इसलिए किया गया क्योंकि भाई कोविड के कारण सबकी बहुत ही ख़राब स्थिति है, और सबसे ख़राब स्थिति तो निचले तबके के लोगों की होती है, जो गरीब होते हैं, तो इसको बचाने के लिए ही इस तरीके का किया गया है। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे है नरेंद्र सिंह तोमर। भाई नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। 3 नंबर देखिए, नीति आयोग और IICD इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF, सीधी सी बात है, अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि नीति आयोग ने डीकार्बोनाइजिंग के लिए क्या है, एक संधि की है, ठीक है, और वो 24 तारीख को लॉन्च होने वाला था, तो 24 को लॉन्च हो गया है, अब उसके बारे में डिटेल है। तो नीति आयोग ने किसके साथ संधि की, ITF के साथ। ITF क्या है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ये कह रहा है कि जो भारत में जो भी अपनी गाड़ी घोड़ा ये जो भी चलेंगे, तो उससे निकलने वाला कार्बन क्या है, कम करना चाहिए, क्योंकि कार्बन जैसे बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो जो लो लाइंग एरियाज है वो डूब जाएंगे। बांग्लादेश का एग्जांपल दिया था मैंने कुछ दिन पहले, क्योंकि बांग्लादेश का आधा ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा तो वहाँ के आदमी कहाँ पे आ जाएंगे, भारत में ही आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये किया है, यानी डीकार्बोनाइजिंग किया है। ये कितना वर्ष का परियोजना है, ये 5 वर्ष का परियोजना है। ये क्या करेगा, ये भारत में जो कार्बन का जो स्तर है बढ़ रहा है, ठीक है, अगर एक देश को विकास करना है तो कार्बन कहीं ना कहीं उसको खर्च करना पड़ेगा, कार्बन जितना ज़्यादा जलाएगा उतना ज़्यादा खर्च करेगा, विकास होगा, तो कहीं ना कहीं हमको इस तरीके से कार्य करना है कि हमारा कार्बन भी कम निकले, जिससे धरती गर्म ना हो और हम लोग विकास भी करें, तो इसलिए पंचवर्षीय योजना है। इसमें देखिए क्या है कि भारत में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 13% परिवहन क्षेत्र से आते हैं, यानी 100% अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो उसमें से 13% कहाँ से आते हैं, 13% कहाँ से आते हैं, वो परिवहन से आते हैं। और 1990 के बाद अगर देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा कार्बन यहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखिए 1990 में उतना लोगों के पास गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, लेकिन आज क्या पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो रहा है। यहाँ देखिए, भारत में परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 6% सालाना 2030 तक वृद्धि होने की संभावना है, और ये बोला जा रहा है 2030 तक इसमें लगातार 6% का वृद्धि होगा, तो ये चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा, और प्लीज़ अपना नोट्स बनाइए।
नोट्स नहीं बनाइएगा तो कुछ नहीं होगा। चार नंबर देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CII ने जादू होल्डिंग्स को जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। पर ये जादू क्या है? जादू फेसबुक की एक कंपनी है। आपको पता है फेसबुक और जियो का एक 47,000 या 48,000 करोड़ का एक टाइप हुआ है, तो उसी के तहत फेसबुक का एक कंपनी है जादू, तो फेसबुक ने अपना जो शेयर है 9.99% वो जादू को दे दिया। तो अब जादू क्या है, फेसबुक की एक पार्टनर भी बन गई है। तो जादू किसकी सहायक कंपनी है? तो वो फेसबुक की है। पांच नंबर देखिए, माली गणराज्य, माली एक देश है अफ्रीका में, माली गणराज्य ने विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय PSU यानी पब्लिक सर्विस यूनिट NTPC को 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास के लिए अनुबंध किया। यानी कौन सा देश ने NTPC के साथ 500 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क विकसित करने का घोषणा किया है? तो माली गणराज्य ने किया है। माली कहाँ पर पड़ता है? माली पड़ता है अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ देखिए, इससे पहले टोगो गणराज्य, टोगो भी अफ्रीका में ही पड़ता था, उसने अपने देश में 285 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क विकास करने के लिए NTPC से समझौता किया था। अब NTPC ये समझौता क्यों कर रही है? क्योंकि NTPC ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि दो साल में, अभी से लेकर दो साल है 2022 तक, ISA क्या है, यहाँ पर देखिए ISA जो है, ISA ये है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, ठीक है, है पेन नहीं चल रहा है थोड़ा, इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, इसका जो हेड है, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस को मिलकर बनाया था, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये गुरुग्राम में। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 10,000 मेगा वाट का जो सौर पार्क है वो हम निर्माण करेंगे या करवाएंगे, ठीक है। तो इसी के तहत ये किया जा रहा है। छः नंबर देखिए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने एक प्रोजेक्ट किया है, या फिर जो अवार्ड चल रहा है तो अवार्ड के लिए नामांकन मांगा जा रहा है, जैसा अभी खेल रत्न या अर्जुन रत्न के लिए नामांकन मांगा जा रहा है उसी लिए, तो उसी तरीके से ये भी। तो किसके लिए नामांकन माना जा रहा है? तो देखिए, इनोवेटिव स्टूडेंट प्रोजेक्ट अवार्ड के लिए नामांकन मांगा जा रहा है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सात नंबर देखिए, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे DV सदानंद गौड़ा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बोला है कि भारत में 3 बल्क ड्रग्स पार्क और 4 चिकित्सा उपकरण पार्क का विकास किया जाएगा। तो किसने कहा है कि भारत में 3 बल्क ड्रग्स पार्क और 4 चिकित्सा उपकरण पार्क, ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि मोदी साहब ने क्या बोला अभी कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत हम तभी बनेंगे जब हम लोग खुद बनाएं, हम लोग दूसरे देश से आयात नहीं करें बल्कि हम लोग यहाँ से ही अपने देश से उसको बेचें, निर्यात करें। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, और इसके लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से करना होगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोग को इसका क्या है, सपोर्ट करना चाहिए। आठ नंबर देखिए, रेलवे ने 31 अक्टूबर 2020 तक, आपको पता है यहाँ पे देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालू हुआ है। इसके लिए रेलवे ने ये बोला है कि अगले 125 दिन तक, 31 अक्टूबर 2020 तक रेलवे क्या है, 1800 करोड़ रुपए का कार्य करवाएगा, ठीक है। और इसके लिए 8 लाख लोगों की ज़रूरत होगी, और ये सभी कहाँ से मिलेंगे आपको, जो अभी 6 राज्य की बात हुई थी, 6 राज्य के 116 जिले जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल है वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए रेलवे ने आगे हाथ बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 116 जिले हैं, सभी 116 जिलों में क्या होगा, नोडल अधिकारी कौन नियुक्त करेगा, रेलवे करेगा। कितना लाख आदमी को काम मिलेगा, 8 लाख आदमी को काम मिलेगा। कब तक काम मिलेगा, 31 अक्टूबर 2020 तक मिलेगा। कितने दिनों के लिए काम होगा, 125 दिन के लिए काम होगा। और रेलवे इसके लिए कितना पेमेंट करेगा, 1800 करोड़ पेमेंट करेगा। ये एक ही बार 125 दिन चलेगा। इसमें 6 राज्य होंगे, बिहार, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, क्योंकि यहीं पर प्रवासी श्रमिक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए, 9 नंबर देखिए, देश में वर्तमान कौशल में आए अंतराल को ख़त्म करने के लिए अपने प्रयास में IBM और इसके सहयोगी आज स्किल बिल्ड रिग्नाइट
और स्किल बिल्ट इनोवेशन कैंप की शुरुआत करेंगे। तो स्किल बिल्ट रिग्नाइट और स्किल बिल्ट इनोवेशन स्किल इंडिया का एक प्रोग्राम है। तो किस कंपनी के साथ सहयोग किए हम लोग, टाई अप किए हैं IBM के साथ टाई अप किए। इसमें क्या होगा, इसमें ये विशेषता ये है कि उद्यमी जिनको कुछ नहीं आता या फिर जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उनको कोचिंग मिलेगी IBM के द्वारा और स्किल इंडिया के द्वारा, जिससे वो अपने व्यवसाय को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं ये किया जाएगा। इसमें क्या है, ये जो प्रोग्राम है ये 10 सप्ताह का है, ठीक है। ये प्रोग्राम कितना है, ये प्रोग्राम 10 सप्ताह का है और इसके लिए 100 घंटे का क्लास चलेगा। 10 सप्ताह, देखिए म्यांमार में एक परियोजना है, तेल और गैस परियोजना है श्रेय, नाम ध्यान से दीजिएगा, श्रेय तेल और गैस परियोजना किस राज्य किस देश में है, म्यांमार में। तो उसके विकास के लिए, ठीक है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसका एक विदेशी यूनिट है जो विदेशों में काम करने के लिए उसने सेट किया है, नाम है OVL, ठीक है, OVL। तो OVL के द्वारा ये बना रहा है ONGC। तो ये कहाँ पे बना रहा है, म्यांमार में बना रहा है। इसके लिए तकरीबन 909 करोड़ रुपया सरकार ने इसको फंड दिया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग को अभी किधर देखना है, लुक ईस्ट पॉलिसी देखना है। अब भाई लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, हम लोग को अपना जो पूर्वी देश है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो चीन दे देगा ध्यान। 11 नंबर, देखिए स्कूली शिक्षा के लिए नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NCF शुरू किया गया है। ये किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। यहाँ देखिए आत्मनिर्भर भारत के तहत PM ई विद्या के लिए NCERT द्वारा हर कक्षा के लिए एक चैनल शुरू किया गया है, ठीक है, और उम्मीद किया जा रहा है कि ये चैनल कब से शुरू हो जाएगा, अगस्त से। तो कौन सा चैनल शुरू कर रहे हैं, PM ई विद्या। 12 नंबर, देखिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, उन्होंने एक स्कीम चालू की है। स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का देखिए नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है, स्कीम का नाम क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसके तहत क्या है, इसके तहत ये बोला गया है कि जो भी व्यक्ति है जो छोटे या फिर इस तरह के बिजनेस में काम करते हैं, वो अभी पैसा लगाने से डर रहे हैं। तो पैसा लगाने से ये डर रहे हैं, कारण ये है कि कोरोना के कारण माल बिकेगा कि नहीं, या फिर जो भी पैसा तो वो खर्च हो गया। तो इसके लिए क्या है, क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया जा रहा है। इसके तहत कितने रुपये का फंड जारी किया है, 20,000 करोड़ का, और इसके तहत कितने लोगों को फ़ायदा होगा, 2 लाख MSME लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्रेडिट गारंटी स्कीम किसने लाया है, केंद्रीय MSME मंत्री ने लाया है। मंत्री कौन है भाई, नितिन गडकरी, 20,000 करोड़ का फंड दिया है और कितने लाख लोगों को फ़ायदा होगा, 2 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। 13 नंबर, देखिए इंडियन ऑयल ने पारादीप में अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर के पास ही 43 करोड़ रुपये पूंजी से उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र की स्थापना की है। यहाँ पे फुल फॉर्म इसका देखिए, फुल फॉर्म क्या है, PDSC, क्या है, उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र। किसने चालू किया है, इंडियन ऑयल ने। कहाँ चालू किया है, पारादीप में। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये क्या करेगा, पेट्रोकेमिकल्स यानी कि किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिसर्च और एनालिसिस करेगा, तो वही ये करेगा। किसने चालू किया है, इंडियन ऑयल ने। कहाँ पे है, पारादीप में। क्या है ये, उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र, PADC। 14 नंबर, देखिए 14 नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जिसने भी कोरोना के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। तो देखिए कोरोना के लिए क्या किया है, कोरोना के लिए पढ़ने के लिए उसके लिए क्रैश कोर्स चालू किया है, ताकि कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी मिले, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे डेड सेल से काम कराया जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति है उनको संक्रमण ना हो। तो किसने चालू किया है, अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। आप लोग को ये बताना है कि ये कहाँ पे है, ठीक है, ये बताना है। 15 नंबर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है संजीता चानू, ठीक है, ये कौन है, संजीता चानू है। इनके बारे में सुन लीजिए, इन्होंने 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों में गोल्ड जीता है। लेकिन क्या हुआ था, जब जीते हैं उसके बाद इन पे लग गया डोपिंग चार्जेस, और ये रेसलिंग करती है तो इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने इन पे लगा दिया।
भाई लगा दिया। उसके बाद क्या हो गया कि ये केस लड़ती रही और अंत में पता चला इन्होंने डोपिंग नहीं की थी और IWF को मानना पड़ा कि इनके साथ गलत हुआ। अब ये क्या कर रही है, अब ये IWF पे भी केस करना चाह रही है। और दूसरी बात कि इनको 2016 और 2017 में भी अर्जुन पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन इनका जो नाम है उसको खारिज कर दिया गया यही सब कारणों के लिए। तो इसने दिल्ली हाईकोर्ट में भी केस कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा गया कि दो बार जीते हैं तो इनके नाम पे सिफारिश करना चाहिए आपको। तो फिर ये डोपिंग वाला केस हो गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि जब तक डोपिंग का मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक इनके नाम पे स्टे रहेगा, लेकिन अगर ये क्लियर हो जाती है तो इनको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए एक बार ये क्लियर हो गई तो अब इनको अर्जुन पुरस्कार ज़रूर मिलेगा, ठीक है। किसी को मिले ना मिले इनको मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। 16 नंबर देखिए, विश्व कराटे महासंघ ने भारतीय संघ की मान्यता रद्द की, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि चुनाव में धांधली हुआ था इस कारण से। 17 नंबर देखिए, सेनेगल के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है, नाम है उनका मैकी सॉल। इनको क्या हो गया, इनको ये लग रहा है कि इनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया है, सेल्फ क्वारंटीन कर दिया है, ठीक है, सेल्फ क्वारंटीन कर दिया है। 18 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए 25 जून 1999 को कौन सा प्रोग्राम हुआ था, कौन सा युद्ध में हम लोग जीते थे, ऑपरेशन विजय के द्वारा हम लोगों ने कारगिल जीता था। तो देखिए 25 जून 1999 का कौन सा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय, और इसके 21 साल क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। तो कब हुआ था, 25 जून 1999 को, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कुशीनगर को क्या हुआ है, कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया और ये भारत का 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इसके नोट्स बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए छोड़िए, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।